बिहार के सुदूर कोनों से आए हुए भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, प्रिंट एवं विजुअल मीडिया के पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबको बिहार के शताब्दी वर्ष पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि बदलते बिहार, बढ़ते बिहार के सकारात्मक निर्माण में आपकी सार्थक भूमिका होगी। आगा होली होगा, जिस तरह से ईद बकरीद में खुशी मनाते, बड़ा दिन मनाते और सबका एक मिश्रित नया त्योहार बिहार दिवस आज का दिन है, जो जाति और धर्म सबसे आगे निकल, दिल्ली हो, देश के दूसरा जो भी हिस्सा है जहां बिहारी लोग बसे हैं, वहां आज बिहार जय बिहार। जाऊं धरती थी, लेकिन क्या हम इस धरती को सींच पाए? बिहार ने हमें मजबूत श्रम शक्ति दी, लेकिन क्या हम इसे विकास की गति दे पाए? बिहार ने हमें कुशल नेतृत्व दिया, लेकिन क्या हम उनके कदमों से कदम मिला पाए? बिहार ने हमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं दी, लेकिन क्या हम उनका सम्मान कर पाए? बिहार ने अपनी तकदीर हमें सौंपी, क्या हम उसकी तस्वीर बना पाए? आज यहाँ न गांधी मैदान में बैठे हजारों नौजवानों से ये सवाल है, और जो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आज के दिन हमें संकल्प लेना है कि 21वीं शताब्दी ये बिहार की शताब्दी होगी। जिस तरह से 21वीं शताब्दी पूरे दुनिया में भारत की शताब्दी होगी, उसी प्रकार भारत के संदर्भ में 21वीं शताब्दी ये बिहार के नाम लिखी जाएगी, ये बिहार की शताब्दी होगी। तो आइए आज के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम और आप मिलकर ये संकल्प लें कि आगे आने वाले वर्षों में हम बिहार को इतना बेहतर बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे, इतना सुंदर बनाएंगे, ताकि 21वीं शताब्दी बिहार की शताब्दी बन सके। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। अब यहाँ बोल लिए श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ही काम मत करिएगा। माननीय उपमुख्य, बिहार की स्थापना का शताब्दी दिवस हम लोग मना रहे हैं, बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर देश में जहां कहीं भी बिहारी बसे हुए हैं, वो सभी अब बिहार दिवस पूरे उल्लास से मनाते हैं। और सिर्फ हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारी युवा पीढ़ी, हमारे मेहनती लोग। बिहार में बहुत कुछ है, हम अपने हक को भी हासिल करेंगे। भाई जब टैक्स सब पर लगता है, टैक्स की देनदारी सब पर है, तो फिर जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती है उस पर भी सबका बराबरी का अधिकार है। बिहार के लोगों को भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ये तमाम तरह की बाधाओं को हम लोग पार करेंगे और विकास के दौर में ऊंची छलांग लगाएंगे। हम समाज में सांप्रदायिक सद्भाव हर कीमत पर कायम रखेंगे, सामाजिक सौहार्द कायम रखेंगे, मजहब और जात के आधार पर नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ना होगा तो अपने हक के लिए दिल्ली में बैठे हुए लोगों से लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में मिलकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। एक हम सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करें और आपसे आग्रह करेंगे कि मंच Yeah.
इतिहास के बीते दिन मगध के जंगलों में ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लीन थे। इतिहास इस बात पर मौन है, पर हो सकता है महावीर और सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में एक दूसरे से मिले। आज से ठीक 2600 साल पहले वो भी क्या दृश्य रहा होगा, जब सिद्धार्थ गौतम ने गया से 15 किलोमीटर दूरी पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान किया और माया के सम्राट मार ने अपने सारे दमन अंजलि सिन्हा हूँ और पिछले 7-8 सालों से मैं एक सक्रिय फोटो जर्नलिस्ट हूँ और अभी मैं अपने फ़ोटो के एक्सपीरियंस पे पेंटिंग्स मैंने पेंटिंग को करते हुए मुझे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बिहार गवर्नमेंट अप्रोच किया और मैंने मोहब्बत वो जीव है जिसमें एक तरफ लड़का उछलता है, क्या जब ही चीज है लेकिन फिर भी करते Gracias.